नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त खबर असरदार का हो गया है, मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की कल बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा, तो वहीं इस पर अब राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी जैसे नेता पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि ऑब्जर्वर अपनी सिफारिश पीसीसी को दे चुके हैं। पार्टी आला कमान जैसे निर्देश देगा, हर नेता अक्षरशः उसका पालन करेगा। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर कल होने वाली बैठक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 जनवरी तक जो तीन किस्म के हमारे ऑब्जर्वर और प्रभारी थे, उनसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि वे अपनी सिफारिशें पीसीसी को दे दें। अधिकांश सिफारिशें आ चुकी हैं और उन्हीं पर कल गहन मंथन होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी ऐसे दावे करती थी। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वाले नाम नहीं है, युवाओं को बलि का बकरा बनाने के प्रयास चल रहे हैं, ये सब दिखावटी कवायद है। विधानसभा चुनाव में भी बड़ी तैयारी करी थी, कमलनाथ जी जेब में सर्वे लेके चलते थे, सबसे पहले टिकट हम घोषित करेंगे, क्या नतीजा हुआ सर? अभी लोकसभा चुनाव में भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। अभी से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और तमाम कवायद कर रहे हैं, समितियां बना दी और नामों को लेकर लोकसभा प्रभारियों को बुला रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नाम नहीं मिल रहे, वास्तविकता ही है। बहरहाल ज्यों ज्यों लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तैयारियों के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट। न्यूज 18 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंडी गठबंधन पर हमले के बाद सियासी शोर शुरू हो गया है। सिंधिया के बयान पर जहां कांग्रेस ने निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को पलटवार दिया। I.N.D.I.A. का क्या हाल हो रहा है? पुरानी कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने सपने देखने के लिए। जो घमंडिया गठबंधन जिनका एक ही मकसद भ्रष्टाचार करना, अहंकार के आधार पर जनता के समक्ष पेश होना और वही सोच और विचारधारा रखना, जनता ने उनको एक दो बार सबक सिखाई है और बार बार जनता उनको सबक सिखाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वही बयान है जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने तंज कसा और कहा कि इंडिया भारत शब्द बोलने में सिंधिया जी को शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सिंधिया पर जमकर वार किए। एक तो मैं सिंधिया जी से ये कहूंगा कि अब हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, इंडिया शब्द बोलने में, भारत शब्द बोलने में उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, वरना लोग उनमें भी जो सिंडिया है, सिंडी और अलायंस अलग, उसको अलग कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन भी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है, राहुल गांधी भी मजबूत है और कांग्रेस का हर सिपाही मजबूत है। तो वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया और कहा कि सभी ने कांग्रेस और गठबंधन वालों का घिनौना चेहरा देखा है, ये सनातन विरोधी है, सनातन को कोसने वाले हैं। देखिए, सभी ने कांग्रेस का घिनौना चेहरा देखा है, सभी ने जो गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन वाले, इनका भी घिनौना चेहरा देखा है। इनको तो सनातन धर्म बोलने में जोर आ रहा है, ये तो सनातन धर्म को कुष्ठ, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी वायरस बताते हुए इसे नष्ट करने की सलाह देते हैं। ये तो लगातार सनातन धर्म को कोसने वाले लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं। यह इंडिया शब्द का, इस पवित्र शब्द इंडिया शब्द, भारत शब्द एक पवित्र शब्द है, ये किस हैसियत से उसका उपयोग कर रहे हैं? ये तो इंडी गठबंधन है जो बिखर चुका है, वो एक कहावत है, दिल के टुकड़े हुए हजार, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब कुछ तीखी बयानबाजियों का दौर यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया था
और बता दें आपको कि पिछले बढ़ते हैं आगे, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर पिछले दो दिन से आयकर विभाग की रेड जारी है। अफसर उनके बंगले पर दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उनसे करीबियों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में आयकर कार्रवाई कर रही है। चौहान बिल्डर्स समेत 47 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बलरामपुर के राजपुर में पूर्व खाद्य मंत्री के निजी सहायक समेत रायपुर के एमएलए कॉलोनी स्थित पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर रेड पड़ी है। इधर अमरजीत भगत का बेफिक्र अंदाज भी नजर आया, वो छत पर योग करते दिखे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार आईटी की कार्रवाई है, जारी है। और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने छत पर टहल रहे हैं, लेकिन उन्हें बात करने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए जरूर थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से ले जाया गया है। और कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई है, वो जारी है। हालांकि अभी आईटी की जो टीम है उसने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की संपत्ति मिली है, कितने की जो संपत्ति है वो मिला है, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। इधर अंबिकापुर में भी भगत के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। एसआई रुपेश नारंग, निजी सचिव से पूछताछ की गई है। आयकर विभाग की टीम लगातार तीसरा दिन पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर दस्तावेजों की जांच करी है। इस वक्त मैं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं उनके घर के सामने जो है किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो है उनके करीबी हैं उनके भी से आईटी की टीम जो है पूछताछ कर रही है, जिसमें एसआई रूपेश नारंग सहित निज सचिव फ्रैंकलिन टोप्पो और प्रमोद इंजीनियर को भी इसी आवास पर रखा गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 2 करोड़ से अधिक नगदी, ज्वेलरी समेत अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पूर्व मंत्री समेत बिल्डर्स और कारोबारियों से पुराने सौदे की जानकारी अधिकारी हासिल कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी, अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है। सरकार का आरोप है राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी। राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद बक्से में डाल दिया गया है। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी, इसका फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा था। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। इधर योजना को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जो सरकार आती है अपनी योजना चलाने का काम करती है, योजना से सीधा लाभ युवाओं को होता था, योजना को बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, जो सरकार आती है अपनी योजनाएं चलाने का काम करती है, लेकिन जो योजनाएं अच्छी है, युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं पे बहुत सारे, जैसे हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया था, जिसे गांव के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को गोबर खरीदी होती थी, उससे उनके सशक्तिकरण का काम होता, आज उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं जो जिससे सीधा लाभ आम लोगों को होता था और आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बंद कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत का अंदाज बदला है और साय सरकार कांग्रेस की योजनाओं में करप्शन के आरोप लगाकर बंद कर रही है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।